अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। जिले के वरिष्ठ एवं कर्मठ पत्रकार पत्रकारिता के साथ साथ खेलों में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आज पानीपत मीडिया सेंटर में जिला स्तरीय जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर आए पत्रकार विजय गाल्यान का फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया और मिठाई भी बांटी गई। इस मौके पर मीडिया सेंटर के पदाधिकारियों के अलावा पुलिस पीआरओ अनिल व जिला लोक संपर्क अधिकारी सुरेश रोहा भी मौजूद रहे। ये 25 और 26 में हुई थी जिला स्तरीय प्रतियोगिता जीडी गोयनका में, तो इसमें जेवलिन थ्रो में 45.18 मीटर फेंका है और जिला स्टेट लेवल पे चयन हो गया है। पहले भी पिछले साल स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल था, उससे पिछले साल भी मेरा सिल्वर मेडल था और मैं नेशनल में हैदराबाद में खेल रहा था, उसमें फोर्थ प्लेस रही थी। इसमें तो 18 प्रतिभागी थे। कितने मीटर फेंका था आपने? 45.18 मीटर फेंका। लक्ष्य क्या है अगला? लक्ष्य ये स्टेट से एक नेशनल में और नेशनल के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का। अंतर्राष्ट्रीय खेल विकास बोर्ड के बैनर के तत्वाधान में पहली साउथ एशियन गेम का आयोजन 25 से 27 नवंबर तक वीरगंज नेपाल के नारायणी स्टेडियम में किया गया, जिसमें नेपाल व भारत समेत कई देशों के लगभग 15,000 बच्चों ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया। पानीपत जिले के 11 बच्चों ने ताइक्वांडो व एक बच्चे नरेला ने बॉक्सिंग में कुल 12 खिलाड़ियों ने जूनियर खेलों में हिस्सा लिया और सभी बच्चे अपने अपने वर्ग में मेडल जीतकर पानीपत पहुंचे। जिले में पहुंचने पर पानीपत की स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी और भारतीय खेल बोर्ड के हरियाणा अध्यक्ष ने स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। हमारा इवेंट साउथ एशियन नेपाल में हुआ है, जहां पर हमारे कई गेम शामिल थे, जिसका जो गेम हमारे नेपाल और इंडिया का मैच हुआ, जिसमें हमारे इंडिया के सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल रहे हैं और सेकेंड नंबर में हमारे नेपाल। हमारे ये बच्चे हरियाणा से ताइक्वांडो और बॉक्सिंग में बच्चे हमारे 12 बच्चे गए थे, जिसमें 11 बच्चे हमारे ताइक्वांडो गए, जिसमें से 10 बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और एक लड़की सिल्वर मेडल और कुछ बॉक्सिंग का लड़का गोल्ड मेडल है जो नरेले गांव से। हम नेपाल खेलने गए थे, जो कि ताइक्वांडो गेम खेलने गए थे और वहाँ पे जो है बहुत अच्छे गेम रहे हैं और इससे हमारा गोल्ड मेडल जो आए हैं, इससे सभी बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ा है और इसका श्रेय मैं अपने कोच प्रोमिला लठवाल मैम और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। मैंने 69 वेट कैटेगरी में जूनियर में गोल्ड मेडल जीता है। हम साउथ एशियन गेम्स नेपाल में गए थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे पेरेंट्स का, मेरे शहर का, देश का नाम रोशन करते हुए। आज हमारी स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी ने नेपाल के अंदर जो फर्स्ट साउथ एशियन गेम हुए, वहाँ से 11 मेडलिस्ट जो आए, जो गोल्ड मेडल लेके आए और एक साथ में एक सिल्वर मेडल जो लेके आए, उनका स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया हमारी स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी की तरफ से। हम आगे भी चल के बहुत सारे जो हमारे जो स्पोर्ट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हम प्रोत्साहन करते रहेंगे। पानीपत बाबरपुर के पास रेलवे ट्रैक पर 13 साल के बच्चे की सिरकटी लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दर से करीब 10 फीट की दूरी पर जीआरपी ने शव की गर्दन ब्लैक कलर के पॉलिथीन में बरामद की। जीआरपी के मुताबिक बच्चे ने आत्महत्या की है। जीआरपी ने शव की शिनाख्त की तो पता लगा कि बच्चा बाबरपुर मंडी का रहने वाला था। बच्चे का नाम अखिलेश बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अखिलेश 4 साल से दिमागी तौर पर कमजोर था। मंगलवार की रात से अखिलेश घर से खाना खाकर निकला था, रात भर अखिलेश घर नहीं लौटा। अल सुबह बच्चे का शव रेल के ट्रैक पर बरामद किया गया। खाना खा लिया, चला गया घूमने के लिए, मैं बोला सांझ कैसे करेगा, नहीं आया, खोजने ढूंढने लगा, कहीं पर नहीं मिला वो। क्या कोई दिक्कत थी बच्चे को? दिमाग कुछ थोड़ा सा कमजोर था उसको, शुरू से ही कमजोर था या कुछ? 3-4 साल से वैसे करती थी। पढ़ता भी था? पहले पढ़ता था सही साथ, अभी नहीं पढ़ता था, वैसे घूमते छोटा छोटा बच्चा के साथ में घूमते रहता था। सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन बाबरपुर यार्ड में एक नौजवान लड़के की मौत हो गई है। जिस सूचना पे हम वहाँ मौके पहुँचे, वहाँ मौके पर कार्रवाई की और मृतक की शिनाख्त हो गई, जिसका नाम अखिलेश स्नोफ मुसारू राम, जाति राम, गांव बनिया अंदाली, जिला डिस्ट्रिक्ट उसोल बिहार। ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, परिवार वालों ने बताया, ये कई कई दिन तक घर नहीं आता था,
मेंटली डिस्टर्ब था। से वो मेंटली डिस्टर्ब के कारण वैसे भी जैसे अपने रख लेते हैं मेंटली आदमी वो है, और इसमें कोई किसी प्रकार का कोई शख्स हुआ नहीं है। ठीक है, उनके परिवार को बताया कि भाई ये काफ़ी दिन कई दिनों से घर घर नहीं आता था और मेंटली डिस्टर्ब था। मेंटली डिस्टर्ब के कारण ये जो दुश्मन मिलता था जेब में डालता रहता था, पोस्टमार्टम में करवा रहे और हाँ गर्दन हुए मतलब उसके जैसे ये रेलवे लाइन पर लेट गया मेंटली डिस्टर्ब के कारण और इसका गर्दन अलग कट गई उस धड़े से उसमें रह गई। पोलिथीन पहन ही रखा था, पोलिथीन बिछा गया होगा जैसे पीछे से गाड़ी आ गई होगी, पोलिथीन पहन ही रखा था नीचे बिछा गया।